अगर तुमने मेरे इंस्टाग्राम पे स्काई डाइविंग के वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें ये तो लगता ही होगा कि मेरा फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस कैसा हुआ होगा। तुम्हें भी तो ऐसे स्काई में जंप करने का मन करता होगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इसके लिए एक USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है, USPA, जिसने एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है जिसे कोई भी आदमी एक लाइसेंस स्काई डाइवर बन सकता है। एंड दिस इज़ नोन एज द AFF कोर्स, एक्सेलरेटेड फ्रीफॉल कोर्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है, AKA ग्रीडी एडवेंचर्स, एंड मैं एक स्काई डाइवर हूँ इंडिया से। सो ये AFF कोर्स में एग्जैक्टली होता क्या है? सो पहले तो आपको एक ग्राउंड स्कूल करवाते हैं जिसमें आपको सारी थियरी बताई जाती है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: फ्री फॉल पोजिशन, एग्जिटिंग द एयरक्राफ्ट, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, फ्लाइंग द पैराशूट एंड लैंडिंग इट। तो ये ग्राउंड स्कूल 6 to 7 hours का होता है और इसमें पूरा एक दिन लग जाता है। सो वंस यू फिनिश योर ग्राउंड स्कूल सक्सेसफुली, आप अपना फर्स्ट जंप करते हो। सो यूजुअली फर्स्ट जंप इज़ अ टैंडम जंप, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्ट्रैप होके करते हो और ये आपका फर्स्ट फ्री फॉल एक्सपीरियंस होता है। सो अब शुरू होता है आपका रियल एडवेंचर। सो अब इस जंप से स्टूडेंट अपना पैराशूट खुद पहन के जंप करता है, एंड ऑल दीज जंप्स हैपन फ्रॉम 13,000 feet। इसमें आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है 6,000 feet पे। शुरू के 3 jumps में आपके साथ 2 instructor जंप करते हैं, एंड उसके बाद से आपके साथ 1 instructor जंप करता है। तो इसमें 7 levels होते हैं और हर एक लेवल का एक अलग गोल होता है, और आपको इन गोल्स को क्लियर करने होते हैं टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल। अगर आप सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको लेवल रिपीट करवाते हैं, एंड रिपीट्स के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। एंड गाइस, स्काई डाइविंग में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपको कुछ रिपीट करना होता है, बिकॉज रिपीट्स आर डैम एक्सपेंसिव। और आप जब आते हो आप एक बजट पे आते हो, और अब ये बजट से बाहर आपके कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। सो देर आर वेज टू अवॉइड रिपीट्स, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच ऑफ द लेवल्स। तो चलो शुरू करते हैं AFF का level 1, विच इज़ ऑल्सो नोन एज Category A। सो इस जंप में आपके साथ 2 instructors जंप करते हैं, 1 on each side। सो इसके की गोल्स होते हैं आपकी बॉडी पोजीशन को आर्च पोजीशन में मेंटेन करना, एल्टीट्यूड की अवेयरनेस होना, प्रैक्टिस पुल्स करना विच हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस ऑन हाउ टू डिप्लॉय अ पैराशूट, एंड फाइनली आप अपना पैराशूट आपके प्लान्ड एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय करते हो। तो अगर आप ये सारे चीज़ अच्छे से कर लेते हो, सो योर इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइज यू टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ AFF level 2, ऑल्सो नोन एज Cat B। सो इसमें भी आपके साथ 2 instructors जंप करते हैं, एंड गोल इज़ वेरी सिमिलर टू level 1। सो इस जंप में आपको सब कुछ बहुत सिमिलर होता है, बस इंस्ट्रक्टर्स आपको थोड़ी देर के लिए रिलीज़ कर देते हैं जस्ट टू सी इफ यू आर एबल टू मेंटेन द स्टेबल पोजीशन बाय योरसेल्फ, एंड ड्यूरिंग योर डिप्लॉयमेंट वो आपको वापस ग्रैब कर लेते हैं। सो level 3 और Category C में भी आपके साथ 2 instructors जंप करते हैं, एंड इसमें भी रूटीन सिमिलर होता है level 1 और level 2 की तरह, बट इसमें इंस्ट्रक्टर्स आपको पूरी तरह रिलीज़ कर देते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर इन द फ्री फॉल विथ नोबडी होल्डिंग यू। दे चेक ऑन हाउ गुड यू कैन मेंटेन द हेडिंग एंड स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इंडिपेंडेंटली बिना कोई मूवमेंट्स किए या टर्न्स किए एक स्टेबल पोजिशन में फॉल होना होता है। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस यू गेट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो अब स्टार्ट होता है आपका level 4, ऑल्सो नोन एज Category D1। तो अब से आपके साथ सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर जंप करता है, एंड यू नीड टू डू जस्ट 1 practice डिप्लॉयमेंट। एंड इसमें मेन गोल ये रहता है कि आपको टर्न सिखाया जाता है, सो इंस्ट्रक्टर एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट, एंड देन आपको 90° टर्न्स करने पड़ते हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। सो वंस यू आर एबल टू डू दैट सक्सेसफुली यू गेट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो द नेक्स्ट लेवल इज level 5, ऑल्सो नोन एज Category D2। तो इसमें आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर जंप करता है, एंड द गोल ऑफ दिस जंप इज़ टू लर्न 180° एंड 360° टर्न्स। तो इसमें आपके टर्न्स कंट्रोल्ड होने चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग 180°, आप 180° ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा घूम गए हो। सिमिलरली फॉर 360,
You need to show one full 360 turn and then stop at the instructor. So once you're able to show these, the instructor qualifies you for the next level. So next level is level 6, also known as category E1. तो इस जंप का गोल यही होता है, कैसे आप अगर अनस्टेबल हो गए स्काई में, हाउ डू यू गेट बैक टू अ स्टेबल पोजीशन। तो ये सिमुलेट करने के लिए वो आपको बैरल रोल या फ्लिप्स करने बोलते हैं। सो वंस यू डू दैट यू बिकम अनस्टेबल एंड देन यू नीड टू गेट बैक टू योर मोस्ट स्टेबल पोजीशन, दैट इज़ द आर्च पोजीशन इमीडिएटली। तो ये आपको 2 से 3 बार करने पड़ते हैं एंड वंस यू डू देम सक्सेसफुली यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो फाइनली गाइस आप पहुंच गए हो लास्ट लेवल पे, दैट इज़ द लेवल 7, ऑल्सो नोन एज कैटेगरी E2। सो इस जंप का गोल बस यही होता है कि आपने जो सारे स्किल्स सीखे हैं उन सारे स्किल्स को कंबाइन करके एक जंप में करवाते हैं। सो इसमें आपको कुछ टर्न्स करने होते हैं, कुछ बैरल रोल्स या फ्लिप्स करने होते हैं एंड वंस यू डू दैट सक्सेसफुली एंड डिप्लॉय योर पैराशूट एट द राइट एल्टीट्यूड, यू आर क्लियर्ड फॉर योर सोलो जंप्स। तो इसका मतलब ये होता है यू कैन जंप सोलो ऑन योर ओन, बट इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ इंस्ट्रक्टर। बट अभी भी आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ लर्नर्स लाइसेंस एंड दिस इज़ द प्राइसिंग ऑफ द FF कोर्स। आप चाहे तो पूरे कोर्स का एक साथ पे कर सकते हो और यू कैन पे जंप बाई जंप एंड यू कैन सी इट ऑल्सो हैज़ द रिपीट रेट्स। तो दिस प्राइसिंग वेरीज ड्रॉप जोन टू ड्रॉप जोन, सो आप एक बार अपने ड्रॉप जोन के साथ अच्छे से चेक कर लेना व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट प्राइसिंग, दिस माइट नॉट बी इवन अपडेटेड। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प ऑन चूजिंग अ ड्रॉप जोन, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। बाय।